सहारनपुर से SP दिनेश कुमार भी, उनसे जानेंगे सर किस तरह से लॉकडाउन 4 को किया गया क्रियान्वित। तमाम जो गाइडलाइंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया उसी के आधार पर यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने भी जारी किया है लॉकडाउन गाइडलाइंस। उसमें रोस्टर्स बनाना है जो हर दिन कौन कौन सी शॉप्स खुलेंगे, किस प्रकार के शॉप्स खुलेंगे, जो अभी अंडरवे है, प्रोसेस में है। हम लोग आवश्यकता के आंकड़न कर रहे हैं, तमाम व्यापारी संगठनों से भी बात कर रहे हैं, तमाम पब्लिक के लोगों से भी बात कर रहे हैं। उनकी फीडबैक के अनुसार हम लोग जल्दी ही रोस्टर सिस्टम बना के हम पेश कर देंगे, जिसके आधार पर पुलिस उसको एनफोर्स कराएगी। जिस दिन दुकान जिस प्रकार की दुकानों का अनुमति है वही खुलेंगे, बाकी सब बंद रखा जाएगा ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो। इसके अलावा 65 साल के ऊपर के बुज़ुर्ग जो कोमॉर्बिडिटी, जिनके पास पहले से पूर्वाग्रस्त बीमारी से मतलब वो है, वीक है, और प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं और 10 साल के कम बच्चे हैं, इनको घर में ही रहने का एडवाइजरी जारी किया गया है, उसे भी हम एनफोर्स करेंगे। अन्यथा जो जहाँ पे भी आदमी चेक किया जाएगा, हॉटस्पॉट का आदमी अगर मिल जाएगा बाहर, हॉटस्पॉट से बाहर अगर बहुत ही आवश्यकता पास के बिना अगर वो निकला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सर हम बात करें सहारनपुर के गंगो और देवबंद क्षेत्र की सर, जो कि हॉटस्पॉट पहले से ही पूरी तरह से सील हैं, वहाँ पर सर क्या कुछ इसमें जो लॉकडाउन 4 में कुछ छूट दी गई है या नहीं? अभी देखिए जो एपिसेंटर है वहाँ से 400 मीटर का तो कोई छूट देने का मतलब ही नहीं है, वो कंटेनमेंट जोन है। अगर वो नगर पालिका या नगर उसका है, वार्ड का है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्री से हमारे लिए वो रहेगा, या फिर 400 मीटर उसकी परिधि रहेगी। ऐसे तमाम एपिसेंटर जो है आपका जो देवबंद में भी है, गंगो में भी है। सर्वाधिक केसेस पूरा सहारनपुर जिले का है वो देवबंद से है, और उसके जो इर्द गिर्द कोई रिलैक्सेशन देने का अभी फ़िलहाल कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी नए केसेस निकले हैं, जो बाहर से माइग्रेटरी लेबर्स आए हैं उनके केसेस निकले हैं। रैंडम सैम्पलिंग भी खूब कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे रिलैक्सेशन देने का मतलब जो है हमारे प्रयास में जो हमारे अब इतने दिन की मेहनत जो है खराब होगा, तो हम वहाँ पे कंटेनमेंट जोन टेक्निकली नहीं खोलेंगे। ये थे हमारे साथ सहारनपुर SSP दिनेश कुमार, जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन 4 में कुछ तो बदलाव होगा लेकिन ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, और जो हॉटस्पॉट एरिया जो सील किए गए थे उनमें भी कोई ज़्यादा छूट नहीं दी जाएगी। कैमरामैन अशोक के साथ रामकुमार पुंडीर, पंजाब के सिटी सहारनपुर।